हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टर गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए फटाफट। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग देख रहे हैं यार, बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि क्लास ट्वेल्थ में अगर हमारे नंबर कम आ गए या अगर हम अपने आप से फेल हो गए तो आखिरकार क्या करना चाहिए। और इस सेशन में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपके करियर में ट्वेल्थ के मार्क्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पर आएगी और कहाँ कहाँ पर नहीं आएगी, और इसके अलावा आप इस चीज को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको पूरा का पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग देख रहे हैं यार, एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो कुछ भी बोलने के पहले सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवालों पर चढ़ती है, चढ़ते दीवालों पर 100 बार गिरती है, पर उसकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो चीज है ना, आपने चलिए ठीक है, पहली बात तो ये है कि क्लास ट्वेल्थ में आपने जो कुछ भी करा सही था। हर एक चीज अपना एक नया एक्सपीरियंस देखे जाता है, हर एक चीज की अपनी एक खुद की वैल्यू होती है यार। इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ में फेल करा है, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे हैं, या जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ में उतना अच्छा स्कोर नहीं करा है वो लाइफ में बहुत आगे आगे पहुंचे हैं। आप सभी लोग वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स आप सभी लोग जानते होंगे। एक से एक लोग हर साल यूपीएससी जैसे आईएएस जैसे रिजल्ट निकलते हैं, और जहां पर मतलब किसी ना किसी की कहानी जरूर निकल के आती है कि सर उनके तो 60% थे, उनके तो 50% थे, फिर भी यूपीएससी में आईएएस में सिलेक्शन हो गया। सो आप यहां से एक कंक्लूजन तो निकलता है बच्चों की जिंदगी में क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स की, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स खराब हो गए हैं तो हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो अपने मन से ये चीज निकाल दो, क्योंकि इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। आप लाइफ में एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर की किसी भी वैकेंसी में आप जा सकते हो, आप कलेक्टर तक बन सकते हो यार, इससे ज्यादा और जिंदगी में क्या चाहिए। बात समझ रहे हो, जिंदगी के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो बच्चों अगर आपका क्लास ट्वेल्थ में मार्क्स खराब हो गया है तो आपको करना क्या चाहिए, अभी भी स्टिल आप सभी बच्चों के पास एक मौका है जो कि है कंपार्टमेंट का, या अगर आपका किसी भी कहीं पर भी अगर आपका स्कोर कम है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को रिवाइव करना चाहिए, अपने आप को रिजनरेट करना चाहिए कि आखिरकार हमें दोबारा बाउंस बैक करना है। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि अगर कोई भी इंसान, एक हारा हुआ इंसान के पास चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसके पास अनुभव जरूर होता है जो जीतने वाले इंसान से कहीं ज्यादा होता है। तो आप सभी लोगों के पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, जिसके दम पे आप पूरी दुनिया हासिल कर सकते हो। मैं आपको कितने सारे एंटरप्रेन्योर के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ का पेपर दिया ही नहीं होगा, या क्लास ट्वेल्थ का पेपर देके आगे जाके ड्रॉप मार दिया होगा किसी कॉलेज वगैरह में। तो यार आज के टाइम पे आपको कुछ भी बड़ा करने के लिए क्लास ट्वेल्थ की इतनी भी ज्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर आप अकेडमिक में जाते हैं तो आपकी वैल्यू है, कई कई सारी जगहों पर वैल्यू है। अगर आप किसी भी नॉन अकेडमिक चीजों में जाते हैं तो आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। जैसे अगर मान लो आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी साइड जाते हो या अगर आप स्टेट पीएससी साइड जाते हो, गवर्नमेंट वैकेंसी में किसी भी साइड अगर आप जाते हो, मोस्ट ऑफ द केसेज में आपके ट्वेल्थ के मार्क्स की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करी जाती। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहां पे कुछ अप टू द एक लेवल तक करी जाती है, और एक बार आपके पास एक्सपीरियंस का टैग लग गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं करी जाती। बस जब तक एक्सपीरियंस का टैग नहीं है तब तक करी जाती है। तो पहले बात अपने मन से इस वहम को निकाल दो कि आखिरकार अगर आपका क्लास ट्वेल्थ में मार्क्स खराब हो गया है तो आप करोगे क्या जिंदगी में। ये क्लास ट्वेल्थ का मार्क्स खराब हुआ है, जिंदगी नहीं खराब हुई। सबसे पहली बात तो ये है, पहली बात तो अपने मन से इस चीज को समझो, अपने आप को ये चीज समझाओ, अपने घर वालों को ये बात समझाओ कि ये क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हमारी जिंदगी खराब हो गई। तो आप सभी बच्चों को मैं एक चीज बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको दोबारा तैयारी कैसे करनी है और आपको दोबारा पढ़ाई कैसे करनी है। बच्चों यहां पर जैसे ही आप अड्डा 24 से आप यूट्यूब पे, आप सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं, और यार आप में से मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़े रहे होंगे, पहले भी जुड़े रहे होंगे है ना, और अभी भी आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार आपको क्या करना है। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, आप अपने YouTube को सर्च करना है ना, तो यहां पर youtube.com कुछ भी सर्च कर लेना। youtube.com पे आप जैसे ही जाओगे, यहां पर यार हमने पूरी की पूरी पढ़ाई आपको करा रखी है बच्चों, ये सारी की सारी चीजें बोर्ड के एग्जाम पे करा रखी थी। आप यहां पर जाना अड्डा 24/7 स्कूल, यहां पर सर्च करना है ना, अड्डा 24/7 स्कूल, तो पूरा पूरा लिखना यार। आपको हर एक चीज की यहाँ पर बच्चों प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, आप पूरा का पूरा यहाँ से अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको रिसेंट के भी प्लेलिस्ट दिख जाएंगे और आपको ओल्ड वाले प्लेलिस्ट भी सारे के सारे दिख जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो यार यहाँ पर
मतलब सब कुछ यहाँ पर आपको करा रखा है, हर एक चीज की यहाँ पर प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पर बड़े आराम से जा सकते हो। इसके अलावा कई सारे बच्चे, जैसे अगर मान लो आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी है तो यार कोई इतनी भी दिक्कत नहीं है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अभी भी आपके पास कंपार्टमेंट का मौका है, कंपार्टमेंट की डेट बहुत ही जल्दी आ जाने वाली है, जैसे ही आएगी मैं आप सब तक जरूर लेके आऊँगा कंपार्टमेंट की डेट। हाँ, री इवेल्युएशन वगैरह की, कॉपी की री इवेल्युएशन अगर करना चाहते हो, कॉपी देखना चाहते हो, तो उसका पोर्टल पूरी की पूरी अच्छी तरीके से खुल चुका है, आप उसको देख सकते हो। आप जैसे ही आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर CBSE क्या कहते हैं, कुछ भी सर्च करना, CBSE.gov जो इसकी मेन वेबसाइट है ना, CBSE.gov.in है ना, इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर आप जाना, तो आपकी यहाँ पर देखो ये खुल चुका है इसका, आप यहाँ से देख सकते हो इसकी मुख्य वेबसाइट। और मुख्य वेबसाइट ये भाई लोड हो जाओ, कई बार तो ये लोड ही नहीं होती तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा सर्कुलर रिगार्डिंग, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिवेल्युएशन क्लास 10th 12th अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर आप तीन काम कर सकते हो, यहाँ पर आप तीन काम कर सकते हो, एक काम तो ये है कि आप अपने नंबर को दोबारा जुड़वा सकते हो कि देखो कि सही है कि गलत है, या दूसरा काम आप कर सकते हो कि अपनी कॉपी की फ़ोटो मंगा सकते हो, या तीसरा काम आप कर सकते हो री इवेल्युएट करवा सकते हो कॉपी को। और यहाँ पर जाके अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, वेरिफिकेशन क्लास 12th में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, अपना यहाँ पे स्कूल नंबर डालना है, अपना इंटर सेंटर नंबर, आपको यहाँ पर ये तीन की तीनों चीज़ें आपको डालनी है। आप यहाँ से आगे प्रोसीड करोगे, आपको पेमेंट करने को बोलेगा, और वो पेमेंट आपको कैसे कैसे यहाँ पर करना है ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और ये पेमेंट आपको कैसे कैसे क्या करना है आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पर जब क्लिक करोगे ना क्लास 12th के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास ये ब्रोशर खोल के आएगा, और यहाँ पर नीचे आपको पूरी डिटेल देखो यहाँ पर दे रखी है कि आखिरकार आपको कब क्या करना है, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स। किसी बच्चे को अगर ऐसा कोई डाउट हो रहा हो कि सर मतलब हमारा मार्क्स कम आया है जितना हमने लिखा था उस हिसाब से, तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी को मतलब अपने नंबर को जुड़वा सकते हो, उसके लिए 500 रुपये तुम्हें पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा, समझ रहे हो एक बार में। तो कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो बहुत पैसा है, तो बच्चा आप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, इसी वजह से सारी चीजें बनाई गई है। अगर आपको, आप मान लो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो तो वहां से आप कॉपी मंगा के आप चेक कर सकते हो, या अगर आपको ऐसा है कि सर मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा था, हमारी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, आप क्या करो यहां पर आप जाना री इवेल्युएशन वाले पोर्टल में, यहां पे आप जाना है ना, और अप्लाई फॉर यहां पे आप सारी डिटेल सबमिट करके आगे जाके वहां पे फिल कर देना। फिल करने के बाद आप इनसे कॉपी मंगा लेना, 700 रुपये लगेंगे एक कॉपी के, मंगा के हम तक सेंड कर देना, और उसके बाद हम उसको क्रॉस चेक करके बता देंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, अगर मान लो आपको री इवेल्युएट कराना है तो आप यहाँ से कर सकते हो कि मतलब दोबारा 100 रुपये पर सवाल है, हालांकि बहुत महंगा है यार 100 रुपये पर सवाल, 100 रुपये पर सवाल के हिसाब से अगर सारी कॉपी का अगर री इवेल्युएट कराओगे तो 1400 रुपये पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल 14 क्वेश्चन थे, है ना, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पे ये सारा का सारा बच्चों, यहाँ पे ये सारी की सारी सीन है कि आखिरकार आपको क्या क्या करना चाहिए। और जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों का स्कोर कम है, आपको सभी मेरे बच्चों को मेरी ये सलाह है कि आप लोग अपने आप को, अपनी एनर्जी को दोबारा रिस्टोर करो, और एक बार जी जान से पूरी अच्छी तरीके से लग जाओ। आपका कंपार्टमेंट पेपर बहुत दूर नहीं है, आपका कंपार्टमेंट पेपर बहुत ही पास में है, अभी भी आपके पास अपने मार्क्स को अपग्रेड करने का मौका है। जिन बच्चों के मार्कशीट में RL RW RT ये सारी चीज़ें लिख रखी है, आपके पास अभी भी बहुत अच्छा खासा मौका है। जो पेपर आपका कंपार्टमेंट के साथ में होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है कि 23 तारीख से होगा, हालांकि कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे CBSE की साइट पर तो नहीं आ रखा है ना, लोग लगातार अपडेटेड है यहाँ पे, तो क्या कहते हैं जैसे ही आएगा मैं आप सभी बच्चों को जरूर बताऊंगा कि आखिरकार मतलब जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरे सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे कंपार्टमेंट के डेट की बिल्कुल भी चिंता ना करें, जब भी आएगा वो हम आपको लेके आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग जरूर अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो। बात समझ में आ रहा है यार, यहाँ पर मैं आपको एक मैथ्स की सीरीज आपको बता रहा हूँ, जिन जो भी बच्चों का मैथ्स में अगर कंपार्टमेंट लग रखा है, यहाँ पर सर्च करना 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे सर्च करना क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस क्लास 12th, यहाँ पे मैथ वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्लास 12th यहाँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे ये देखो सबसे ऊपर की प्लेलिस्ट आपके सामने है, बस आप इसी को फॉलो कर लेना, इसी में आपका काम तमाम हो जाएगा। पूरी की पूरी सीरीज आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से करा रखी है, इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, 2-2 घंटे के सेशन है, आप बड़े आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा मौका है बच्चों, NCERT उठाओ, करना शुरू कर दो, एक बार अपने आप को रीजिनरेट करो, अपने आप को दोबारा रिवाइव करो। बात समझ में आ रहा है बच्चा,
कोशिश करो, हल निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। और जबरदस्त तरीके से आपके अंदर अपनी एनर्जी को पहचानो। आपने अगर बचपन में कोई ऐसे बहुत बड़े काम कर रखे हैं उनको पहचानो। हर बच्चा अपने आप में एक कुछ ना कुछ यूनिक है। आपके पास अपना खुद का मोटिवेशन करने के लिए आप खुद ही काफी हैं, आपको दूसरे की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो सभी मेरे बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यार अपने एनर्जी को दोबारा रिजनरेट करो और एक बार दोबारा पढ़ाई के नाम, ठीक है, एक बार गलती कर दी वो गलती भी हमें सबक सिखा के जाएगा और जिंदगी भर हमारे साथ में रहेगा, कोई समस्या नहीं है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम है जहां पर आपको कोई काम नहीं आता नंबर का, आपके पास सारे रास्ते खुले हैं बच्चों, अभी भी सारे रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर आप अभी भी गलती करोगे तो आपके सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। तो प्लीज अपने आप को संभालो, अपने आप को समझाओ, अपने घर वालों को समझाओ और एक बार दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ाई में लग जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट। आई एम ऑलवेज विद यू, कंप्लीट होल अड्डा टीम विद ऑल ऑफ यू, विद ऑल ऑफ यू। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। कोई भी अगर दिक्कत है नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख के जाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।